नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे नर्सिंग स्कूल। आज की मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है दिल्ली में रहने वाली है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड साइड का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों ये जो वैकेंसी है दिल्ली में रहने वाली है और जो डिपार्टमेंट है नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड ओशन रिसर्च है, ठीक है। आपको वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर लिया जाएगा जिसका इंटरव्यू 21 जुलाई को रखा गया है दोस्तों। और इसकी जो वेन्यू है, इसका आपका वेन्यू लिखा गया है पृथ्वी भवन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, लोधी रोड, नई दिल्ली, ठीक है। आगे हम नोटिस पढ़ लेते हैं, नोटिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आपका जो है मेल स्टाफ नर्स रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। 11 नंबर पे आप देख सकते हैं, साथ ही यहाँ लिखा हुआ है, देखिए डेट ऑफ इंटरव्यू लिखी है 21 जुलाई। जो टाइम ऑफ रिपोर्टिंग होगी और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, आपको 9 बजे पहुँचना है शार्प, लेकिन आपको एडवाइस करूँगी अगर आप आधे घंटे पहले पहुँचेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। 9 से 11 बजे के बीच में होगा, लेकिन आप कोशिश करना आधे घंटे पहले आने की, ठीक है। मेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, 3 रहने वाली है, ये कोड है MAN कोड है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं क्या काम क्या होगा आपका, जो काम होगा हैंडलिंग दी मेडिकल इमरजेंसी, ट्रॉमा, डिज़ास्टर नर्सिंग एंड ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन नर्सिंग, हैंडलिंग दी ऑपरेशन थिएटर इक्विपमेंट्स। ओके दोस्तों, आगे मैं आपको और भी दिखा देती हूँ जो ज़रूरी जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 पे दे रखा है, यहाँ पे है आपने अगर GNM कर रखी है, GNM कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। GNM वालों को यहाँ पे बोला गया है 3 साल का एक्सपीरियंस जैसा कि आपको दिख रहा है, और अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखी है तो आपको BSc नर्सिंग के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। GNM वालों को 3 साल का एक्सपीरियंस, BSc वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ अगर आपका रजिस्ट्रेशन दिल्ली में या दिल्ली के बाहर अदर स्टेट में है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में है, आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको क्वालिफिकेशन चल गई है पता, डेट ऑफ इंटरव्यू पता चल गया है, आपको सिर्फ इतना जानना है, इसमें लिखा गया है 6 महीने मिनिमम है, ठीक है दोस्तों। 6 मंथ तो मिनिमम बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 18 महीने हैं, ये इससे भी आगे बढ़ सकती है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है दोस्तों, चाहे तो ये रिन्यू हो सकती है सालों साल, ठीक है। लेकिन अभी तो इन्होंने हमें इश्योरेंस दे रखी है कि 18 महीने रहेगी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आप मंथली पेमेंट देख सकते हैं कितनी रहने वाली है, ठीक है, 68,000 है, ठीक है, 68,000 भी है एंड 51,000 भी है, ये अकॉर्डिंग टू पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिखा है कि आपको बीमा भी मिलेगा, ठीक है, दुर्घटना बीमा जिसे बोलते हैं, जिसको भी चयन किया जाएगा उनको 25 लाख तक का कवरेज मिलेगा, ठीक है। 25 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज है दोस्तों ये, ठीक है। और बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी आपको PDF में लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है। प्रोसीजर पूछा गया है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, आपको अप्लाई नहीं करना कहीं भी, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके आना है इंटरव्यू में, ठीक है। क्या क्या लेके आना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, उसको आप स्किप कर सकते हैं, इतना मस्त नहीं है ये, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, जहाँ भी आपका एक्सपीरियंस है वो लेटर ज़रूर होना चाहिए आपके पास, एंड फॉर द वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, साथ में जितने भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाए हैं सबकी एक फोटोकॉपी का सेट होना चाहिए जिसको आपने सेल्फ अटेस्ट किया हो, ठीक है। और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी होनी चाहिए आपके पास रिसेंटली, जिसका पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, अगर आपके पास वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो नहीं है तो प्लीज़ आप आज की आज वो फ़ोटो ले लें और इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाएँ 21 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों। ये मैंने वीडियो आपको बता दी है, तो आपको डेट ऑफ इंटरव्यू आपको पता ही है, और बाकी अगर आपको डीपली जानना है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में PDF ले सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आगे शेयर करें, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।